किसी देश की उन्नति उस देश के युवाओं से होती है। जब वही युवा नशे की गिरफ्त में हो तो वो देश की क्या अपनी उन्नति नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये भी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई थाना क्षेत्रों में नशे का कारोबार, सट्टे का कारोबार लगातार अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। जी हाँ, बता दें उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी अंतर्गत कई इलाकों में नशे और सट्टे और शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। अगर बात करें थाना नंदनगरी के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों की, तो बता दें चाहे वो नंदनगरी हो या फिर सुंदर नगरी हो या फिर सुंदर नगरी का एस ब्लॉक हो या फिर थाना नंदनगरी अंतर्गत कोई कॉलोनी हो, हकीकत में जिन्हें आपको अपने अभियान में लगातार पहले भी बताया था कि किस तरीके से थाना नंदनगरी के अंतर्गत आने वाले एच ब्लॉक गली नंबर 2 में नशे और सट्टे का कारोबार लगातार जारी है। अगर बात करें थाना नंदनगरी के अंतर्गत आने वाली कोड़िया कॉलोनी की, तो कोड़िया कॉलोनी के अंदर भी देश के युवाओं को लगातार नशे के दलदल में ठकेला जा रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से थाना नंदनगरी अंतर्गत कोड़िया कॉलोनी रामलीला ग्राउंड के पास किस तरीके से धड़ल्ले से नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। तो देखा आपने वीडियो में कि किस तरीके से थाना नंदनगरी अंतर्गत कोड़िया कॉलोनी रामलीला ग्राउंड के पास नशीले पदार्थों को बेचा जा रहा है। इस वीडियो को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक ओर थाना नंदनगरी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने के तमाम दावे करता है, वहीं सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है ये वीडियो।